गोरखपुर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नजरिए से जहां सभी पार्टियां अपने पत्ते खोलने की स्थिति में ऊहापोह और असमंजस में हैं, वहीं शनिवार को कांग्रेस ने गोरखपुर से डॉक्टर सुरीता करीम को टिकट देकर उनकी दावेदारी पेश कर दी है। दिल्ली से टिकट मिलते ही गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया, जो स्वागत के रूप में गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंची डॉक्टर सुरीता करीम के रूप में नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में डॉक्टर सुरीता करीम को बधाई देने एयरपोर्ट पहुंचे और उनकी जीत के लिए जमकर नारेबाजियां की। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम ने कहा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव के लिए लोकसभा सीट से क्या कहना चाहती है? मैं बहुत आभारी हूँ हाईकमांड। मैडम चैलेंजिंग होगा ये चुनाव आपके लिए? बहुत खुशी हो रही है सबका साथ देखिए, कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कितनी मैडम जीत सुनिश्चित लग रही है? भाजपा काफी सालों से यहाँ पे योगी जी लगातार सीट जीतते रहे, इस बार 100%। देखिए, एक महिला को इतना सम्मान मिला है, ये दिखाता है हमारी पार्टी महिलाओं के लिए कितना कोशिश कर रही है। हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे और मेरा यही एम है कि गोरखपुर में एक मोहब्बत का पैगाम बहे, यहाँ से जो नफरत की राजनीति होती है ये वो खत्म हो। देखिए, अभी तो चुनाव आज तो नामांकन करने मतलब करना है, अभी बाकी है, अभी तो टिकट मिला है, आगे की बातें आगे होंगी। मैंने कहा अभी मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ, आप देख रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह देख के बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। तो हो जा रही हूँ मैं कि सारे पार्टी के लोग यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी साथ देगा गोरखपुर की जनता? साथ देगी तो जरूर देगी। 2012 में आपने उधर हार ली। गोरखपुर की विकास की रफ्तार तेज हो, गोरखपुर में ईमानदारी से विकास हो, गोरखपुर की जनता को छला नहीं जाए। टिकट मिलना ही हम तो जीत मान रहे हैं, टिकट मिल जाना इस बात की उदाहरण, इस बात के ये कंफर्मेशन है कि हाईकमान को हम लोग के अंदर बहुत विश्वास था, उन्होंने इसी वजह से टिकट हमको, टिकट मिलना ही हमारे लिए जीत के बराबर है। आज जीत तो लगती रहती है, तो खेल है, कभी कोई खेलता है। इंडिया ने देखिए साउथ अफ्रीका को कितनी पूरी तरह रोक दिया, 5-1 से हरा दिया, फिर कौन जानता कब किसका, जबकि टेस्ट में हारे थे, लेकिन इसके बावजूद ये कोई नहीं जानता कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये डेफिनेट है, कार्यकर्ताओं द्वारा इतना सम्मान, हाईकमान द्वारा इतना सम्मान, ये इतना मिल जाने जीत हम लोग जीत हो गई मैडम।